दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप PVR एप्लीकेशन से मूवी टिकट कैसे बुकिंग कर सकते हो। जी दोस्तों, अगर आप भी PVR एप्लीकेशन से मूवी टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट से अंत तक पूरा देखना। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करके दोस्तों यहां से आपको PVR एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, PVR एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। जैसे दोस्तों आप PVR एप्लीकेशन को ओपन करोगे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर की साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर देनी है। तो गाइस यहाँ पर आप सर्च बार में सर्च करके यहाँ पर अपनी जो लोकेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपनी जो लोकेशन है वो सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ से हम बैक आएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्राउज करते हुए नीचे की साइड में आ जाना है। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी जो मूवीज़ है वो देखने को मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर की साइड में सर्च बार पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आप कौन सी मूवी में टिकट निकालने वाले दोस्तों यहाँ पर आप सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों नीचे की साइड में यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है। तो गाइस यहाँ पर मैं स्त्री 2 में अपना जो टिकट है वो बुक करना चाहता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं स्त्री 2 मूवी पर क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मूवी की सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको मूवी की ड्यूरेशन, रिलीज डेट, दोस्तों यहाँ पर मूवी के जो स्टार कास्ट है वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे की साइड में यहाँ पर आपको बुक नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में डेट देखने को मिल जाती है। नीचे की साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको टाइमिंग भी देखने को मिल जाती है, आपको कौन सी टाइमिंग में टिकट बुकिंग करनी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर मैं 10:20 वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन देखने को मिल जाती है, यहाँ से आपको इसे रीड कर देना है। इसके बाद एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप कौन सी सीट बुकिंग करने वाले हो यहाँ से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर आपको सीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको प्राइस देखने को मिल जाती है। तो गाइज यहाँ पर मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप कुछ स्नैक्स वगैरह लेना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी यहाँ पर आप ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे जो स्नैक्स के पैकेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर दोस्तों आप स्नैक्स लेना चाहते हैं दोस्तों यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर दोस्तों नहीं लेना चाहते तो दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मूवी की सारी डिटेल्स आ जाती है। और दोस्तों नीचे की साइड में मूवी की प्राइस वगैरह वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों नीचे की साइड में यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करो दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर के साइड में प्रोमो कोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो दोस्तों यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और नीचे की साइड में यहाँ पर आपको पेमेंट के बहुत सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। आपके हिसाब से आप कोई भी पेमेंट ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे दोस्तों आप पेमेंट को पे कर दोगे दोस्तों आपकी जो टिकट है वो यहाँ पर बुकिंग हो जाएगी। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप PVR एप्लीकेशन के अंदर मूवी टिकट बुकिंग कर सकते हो।